हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कर्ल्स बैंड के बारे में। जो ये कर्ल बैंड आता है या फिर जिगजैग बैंड आता है, इसके बारे में। ये देखिए, इस तरह का जिगजैग बैंड आता है, इसको यूज़ कैसे करना है सही तरीके से, इसके बारे में आपको कंटेंट बहुत ही कम मिलेंगे गाइस। सच में इससे आपकी हेयर लाइन शिफ्ट होने का खतरा रहता है, आपको हेयर फॉल होने का खतरा भी रहता है, प्लस आपके हेयर जो है फ्रिजी भी होने का इसको जो है खतरा रहता है। पर आपको ये पता नहीं होता है कि हमारे हेयर फॉल क्यों होता है, फिर इसको गलत तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको जो है सही तरीके से कैसे लगाएं। तो फटाफट से गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, ये इस तरह के दो तरीके के बैंड आते हैं, इनको बोला जाता है कर्ल बैंड, जिगजैग बैंड, और कई कई जगहों वेवी बैंड भी बोला जाता है। तो इस तरीके के बैंड आते हैं, ये दोनों आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत से टाइप के ये बैंड आते हैं। तो ये गाइस, एक पहले वाले की बात कर लेता हूँ मैं। इसके अंदर जो ये वेव्स हैं या फिर जिगजैग्स हैं या फिर कर्ल्स हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर गौर से देखिए, इसके अंदर दूर दूर है, यानी कि पास नहीं है, इसमें दूर दूर है। मींस मेरा ये कहने का कि इसके अंदर जो कर्ल्स हैं ये दूर दूर किए हुए हैं और बड़े बड़े किए हुए हैं, यानी कि ये इसमें जो बाल हैं आपके कई की मोटी मोटी लेयर्स बनेगी। और जो दूसरा ये बैंड है, इसके अंदर बहुत ही पास वेव्स दिख रहे होंगे और ये मोटा भी काफ़ी है, इसके जो वेव्स हैं और जो ये चौड़ाई इनकी कम लग रही है, देख सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से दूर दूर नहीं, बहुत पास आते हैं ये। तो इस तरीके के दो बैंड हैं, हम दोनों को यूज़ करके दिखाएंगे। पर बेस्ट जो रहता है वो दूर दूर वाला रहता है, बिकॉज इससे आपके बाल जो है कम आएंगे, जो लेयर्स हैं बालों में कम रहेंगी, इससे दूर दूर रहेंगी। तो मेरे ख्याल से दूर वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है कैसे कैसे बालों में लगाना चाहिए और कैसे कैसे बालों में नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखी, इसको लोग बहुत टाइटली बांधते हैं अपने बालों में, बहुत टाइटली लगाना पसंद करते हैं। मीन्स जो है अपने बालों को जो है ऐसे टाइट करके और फिर लगाते हैं, जिससे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत से लोगों को बाल जो है ऐसे उठे हुए लगते हैं, वो बहुत टाइटली लगाया होता है, जिससे क्या होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा खिंचाव में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बाल खिंचा हुआ दिखता है आपका जो हेयर बैंड है, उससे आपकी एक तो हेयर लाइन जो आगे की ये हेयर लाइन होती है ना, ये आपकी शिफ्ट हो जाती है। मीन्स इसके जो बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये पीछे की ओर जो है मूव होने लगती है, मीन्स यहाँ से बाल निकलने लगते हैं, आपका हेयर फॉल होने लगता है एक तरीके से, और आपके जो बाल हैं वो टूटने लगते हैं, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अपने बालों में टाइटली ना बांधे। इससे आपको एक चीज़ और हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है इससे स्ट्रेस हो सकता है आपको, अपने सर के अंदर हेडेक होने लगता है बहुत जल्दी। ये मैंने ट्राई किया है गाइस खुद। इसका तो दूसरी चीज़ है, इसको लोग गलत तरीके से कैसे लगाते हैं, नहाने के बाद, शावर लेने के बाद इसको क्या करते हैं, गीले बालों में लगाना पसंद करते हैं। नो गॉड, नो गॉड, प्लीज नो गाइस। गीले बालों के साथ आपको कुछ नहीं करना होता है गाइस, मेरी मानो तो गीले बालों को छुआ भी नहीं जाता एकदम से, उनको सिर्फ टॉवल से ड्राई किया जाता है नॉर्मल तरीके से, फिर हेयर ड्रायर से कूल में रखकर ड्राई किया जाता है। जबकि कॉम्ब भी कोई नहीं करता है गीले बालों को, कॉम्ब करना खराब रहता है, गीले बालों को कभी भी कॉम्ब नहीं करना चाहिए, कंघी नहीं लगानी चाहिए गीले बालों में, इससे आपके हेयर फॉल बहुत जल्दी होने लगता है। और इसको एक बालों में और नहीं लगाना चाहिए आपको, बालों में जो भी प्रोडक्ट लगाया है सीरम के अलावा, आपने जो है वैक्स, जेल, स्प्रे कुछ भी लगाया, हैवी प्रोडक्ट, क्ले वगैरह, उसके अंदर इस बैंड को प्लीज़ यूज़ ना करें, उससे भी आपके बाल हैवी रहते हैं। हैवी बालों के अंदर प्लीज़ इसको ना लगाएं, ये बैंड आपके बालों को निकाल देगा, बालों में आपको हेयर फॉल देखने को बहुत मिलेगा। ये बैंड जो है अपनी ऑकवर्ड स्टेज में या फिर आपसे अगर बाल मैनेज ना हो तब पहना जाता है। रोज़ रोज़ इस बैंड को ना पहने, डेली रूटीन में रोज़ बाल इस बैंड को ना पहने, जब भी आपको बाहर जाना है मैनेज करने हैं बाल, तब भी इस बैंड को पहने, ऐसे रोज़ रोज़ इस बैंड को पहनना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं भी इसको अपनी ऑकवर्ड स्टेज में यूज़ करता था, आपके सामने फोटोज़ आ रही होगी इस बैंड को लगाए हुए, कि ऐसा मैं दिखता था इस बैंड के अंदर। इसको पर मैं यूज़ कैसे करता था वो आपको मैंने नहीं बताया, तो अब मैं बता देता हूँ उसको यूज़ कैसे करना है परफेक्ट तरीके से। सो गाइज, इसके बाल आप देख सकते हैं, इसके बाल जो है छोटे हैं ना बड़े हैं, तो इसके बाल मीडियम लेंथ के हेयर्स हैं। मैं ऑकवर्ड स्टेज की बात कर रहा हूँ, पर इसकी कोई ऑकवर्ड स्टेज नहीं, इसके बाल इतने ही रखता है ये। सो गाइज, ये मैंने लिया पास वाला बैंड, और इसके ऊपर मुझे कैसे लगाना मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं तो मेरे वैसे भी पीछे में खड़े बाल या फिर स्ट्रेस वाले नहीं दिखेंगे, फिर भी मेरे ऊपर लगा के आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि इतने ही लोग जो है लगाते हैं इतने ही बालों के अंदर ये बैंड। तो गाइज, ये बैंड यहाँ पे पहना है हमने। तो गाइज, इस बैंड को जो है पहना कर, अब देख सकते हैं आप, इस बैंड को इतना ही रखते हैं लोग,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं, इतना ही रखते हैं जिससे ये हेयरलाइन जो है ना ये चली जाती है, यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, मूव हो जाती है हेयरलाइन, फिर बाल जो हेयर फॉल आपको होने लगता है। तो और यहाँ से इतने रखते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है इस स्टाइल में लगा। अब इसी तरह ये बाल इतने भी लग सकते हैं, ये हेयरबैंड यहाँ तक भी जा सकता है। ये देखिए, इस मैंने हेयरबैंड को अच्छे से इसको खींचा है, देखिए खींच रहा हूँ मैं हेयरबैंड को, ये देखिए लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये देखिए एक भी बाल नहीं निकला है, कुछ नहीं निकला है यहाँ से, है ना। और अब जो है इसको जो है आगे की ओर मूव कर देंगे। अब गाइज ये हेयर बैंड कितना तो अच्छा लग रहा है लगाए हुए, और कितना बेस्ट लग रहा है यहाँ से देखिए, बिल्कुल भी इसके बालों में स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इतना सही लग रहा है ये हेयर बैंड लगाया हुआ बालों में कि पूछिए मत। भाई इसके बालों में आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट लग रहा है, इसको खुद को फील हो रहा है लाइट वेट। तो ये देख सकते हैं आपने हेयर बैंड, और ये कितना सही लग रहा है देख सकते हैं, साइड से इसके बाल कोई खड़े नहीं है, कोई और नहीं है, और इतना बेस्ट लग रहा है हेयर बैंड। और यही ऐसा ही मेरे बालों में लगाता हूं मैं, तो अब मेरे बालों में आपको सीधा लगा कर दूंगा। अब आ चुका हूं मैं इस बैंड को लगाकर, और मेरे बालों में आप देख सकते हैं ये बैंड कैसा लग रहा है, बिल्कुल भी मेरे बाल खड़े नहीं है, और बिल्कुल साइड से और दोनों साइड से इफेक्ट इसका काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल रहा होगा आपको। और मैंने अपने अकॉर्ड स्टेज के अंदर ऐसे इसको लगाया था, और अभी भी जब मैनेज नहीं कर पाता हूँ अपने बालों को तो ऐसे ही लगाता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कभी भी इस बैंड को प्लीज़ प्लीज़ गाइज ना लगाएं, इसको हमेशा ऐसे ही लगाना है आपको, जब भी मैनेज ना हो, ये आपके हेयर्स को मैनेज करने के लिए आता है और फैशन के लिए भी आता है। सो गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर दें, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज ऐसे ही वीडियो फैशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और ग्रूमिंग से रिलेटेड जो है मैं लेके आऊँगा।